तो आज हमारे पास आई है बुलेरो 2015 मॉडल। इसके अंदर एक्सीलेटर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ये। डेंटिंग पेंटिंग के लिए आई थी, पूरी गाड़ी खुली थी, उसके बाद इसने एक्सीलेटर लेना छोड़ दिया है। पहले सही थी ये। और इसके अलावा जो चेक इंजन लाइट है वो चेक इंजन लाइट भी आ रही है, सॉकेट वगैरह सब बराबर लगा है, ये एक्सीलेटर नहीं आ रहा इसके अंदर। और जो ये चेक इंजन लाइट है, ये जो येलो वाली आपको लाइट दिख रही होगी, इंजन जिस पे लिखा है, ये चेक इंजन लाइट है, ये भी आ रही है। तो चेक करते हैं, सबसे पहला जो एक्सीलेटर का सॉकेट है इसकी सप्लाई चेक करेंगे हम, सप्लाई आ रही कि नहीं इस पर। एक्सीलेटर का सॉकेट निकालते हैं, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से वायर पे सप्लाई चेक करना है। आपकी भी गाड़ी में अगर दिक्कत आ जाए तो आप कौन सा वायर चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, सब बताऊँगा मैं। ये वाला सॉकेट है इसका एक्सीलेटर का, अगर इस पर कार्बन आ जाए तो आप इसको साफ़ कर सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सॉकेट तो साफ़ है, तो हम सप्लाई चेक करेंगे इस पर। तो जो ये वाला वायर है अपना ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाइट वाला तार है, इस पर माइनस आता है, जो बैटरी का माइनस तार रहता है वो आता है इस पर। और जो ये रेड वाला वायर है, रेड येलो वाला, ये एसीएम से आता है, इस पर पल्स आता है एसीएम से। तो इसको टेस्टिंग लैम्प से चेक करेंगे हम। टेस्टिंग लैम्प हम बड़ा वाला नहीं लेंगे, छोटे वाले से चेक करेंगे, जिस पे केपलेस बल्ब लगा हुआ रहता है उससे चेक करेंगे इसकी सप्लाई। इसका वायर मैंने एक प्लस पे लगा लिया है, और ये माइनस में चेक करता हूँ। पहले बॉडी पे, बॉडी पे आ रहा माइनस, अब माइनस चेक करेंगे इस पर सॉकेट पे। दो वायर पे माइनस आता है, ऑरेंज वाइट वाला जो वायर है सेकंड नंबर का है, इस पर चेक करेंगे, माइनस माइनस आ रहा है ये ऑरेंज वाइट वाले तार पे। अब दूसरे वायर पे चेक करेंगे, ये जो ब्लैक वाला वायर है, ब्लैक वाइट वाले वायर पे चेक करेंगे, ये भी सेकंड नंबर का है, इस पर भी हमारा माइनस आ रहा है। अब ये रेड येलो वाले वायर पे सप्लाई चेक करेंगे, उसके लिए सबसे पहला गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगी, स्टार्ट करने के बाद ही इस पर पल्स चेक होगा। एसीएम से आता है वायर, आपको भी केपलेस बल्ब से चेक करना है, बड़े बल्ब से नहीं चेक करना है। तो मैंने एक वायर माइनस में लगा दिया है, अब इस पर चेक करेंगे, प्लस आएगा इस पर, बिल्कुल माइनस आएगा, पल्स बोलते हैं उसे। ये पल्स आ रहा है इस पर, गाड़ी स्टार्ट कर दिए, गाड़ी स्टार्ट भी आता है पल्स ये। तो ये हमारा पल्स आ रहा है, वायरिंग इसकी सही है, एक्सीलेटर की प्रॉब्लम है, एक्सीलेटर पे सेंसर आता है उसकी शायद प्रॉब्लम है, वायरिंग हमारी सही है। तो एक्सीलेटर पेडल में खोलता हूँ, इसको खोल के देखता हूँ, रिपेयर हो जाता है एक्सीलेटर पेडल भी। पेडल खोल लिया मैंने, तीन स्क्रू पे कसा हुआ रहता है, इसका जो सेंसर रहता है तीन स्क्रू पे रहता है। इसके स्क्रू जो है इस पर निशान लगाना पड़ेगा, अगर स्क्रू की सेटिंग थोड़ी आउट हो जाएगी तो एक्सीलेटर हमारा कम ज़्यादा होगा। तो मैं मार्कर से निशान लगा लेता हूँ इस पर, फिर खोलता हूँ सेंसर को। इसका जो कवर है, ये कवर हमको पेचकस से उचकाना पड़ेगा, जब जाके खुलेगा। इसके अंदर पानी चला गया है सेंसर के अंदर, तभी ये काम नहीं कर रहा था हमारा सेंसर। ये दिख रहा होगा आपको, नीचे पानी डूलते हुए मेरे हाथ में ही पानी आ गया है, तो ये पूरा पानी पानी हो गया इसके अंदर, पानी भर गया था, इसके कारण हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा था। तो साफ़ हो जाएगा ये, इसको पेट्रोल से हमको धोना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये, काम करने लग जाएगा सेंसर। ये रहता है इस तरीके से, खुलता है ये सेंसर, पत्ती होने पर भी कार्बन जम गया है इस पर पानी के कारण से। तो मैं पेट्रोल से इसको धो के क्लीन कर लेता हूँ, ये कार्बन भी दिख रहा होगा आपको, कार्बन जम गया है इसके ऊपर। तो पेट्रोल से मैं इसको अच्छे से धो लेता हूँ। तो इसको मैंने धो लिया है, अब सूखे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगा, पेट्रोल पूरा सूखा दूंगा इसका। इसकी जो पत्ती है, पत्ती उन पे भी कार्बन आ गया है, तो मैं सैंडिंग पेपर से इसको साफ़ कर दूंगा, ज़्यादा जोर लगाकर नहीं साफ़ करना इसको, नहीं तो टूट जाएगी पत्ती, पत्ती बहुत कमज़ोर आती है ये।
तो इसको मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, अब इसको फिटिंग करते हैं वापस, जैसा था वैसी फिटिंग करेंगे इसको। एक्सीलेटर का सेंसर मैंने फिटिंग कर दिया है, अब चेक करते हैं गाड़ी में लगा के इसको। पेडल कस दिया इसका, अब सॉकेट लगा के चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। सॉकेट को अच्छे से बिठा देना है, लॉक होता है सॉकेट ये। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चेक इंजन लाइट भी चली गई है इसकी, एक्सीलेटर भी आ गया इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको पानी की वजह से प्रॉब्लम आई थी वो, एक्सीलेटर आ गया है बिल्कुल बढ़िया, ओरिजिनल एक्सीलेटर ले रही है जैसे लेती है, और चेक इंजन जो लाइट यहाँ पर आ रही थी वो भी नहीं आ रही है इसमें। तो ये जो कलर हुआ था गिलास वगैरह सब निकले थे, इसके कारण से वो पानी घुसा था पेडल के अंदर, गाड़ी खुली हुई थी, बारिश का टाइम था। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना मेरी वीडियो।